हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। आप सब लोगों ने कमेंट में बोला कि आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न पे जो कोडिंग डिकोडिंग के जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पे आपको वीडियोस चाहिए, तो ये जो हमारी वीडियो है उसी पे बेस्ड है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सब कुछ फ्री है, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं चला जाता बस, लेकिन हम लोग को देख के बहुत खुशी होती है कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। सो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिएगा और वहाँ पे मेरा नाम सर्च करेंगे करके, और वहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। उस पे मैं कोडिंग डिकोडिंग के हायर लेवल के क्वेश्चंस का पूरा एक कोर्स मैं लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें अलग अलग तरीके के हम लोग एटलीस्ट 50 to 60 या जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस होगा उसमें हम कवर कर लेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली है ये, तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे ना, तो आप सबसे पहला काम ये किया करिए, यहाँ पे जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई होती है ना, उनको आप पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अब ये बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे जो वर्ड्स गिवन होते हैं ना, इनको तो सबसे पहले आप कितने लेटर्स हैं आप लेटर्स काउंट कर लीजिए। जैसे गिवन में है 5 लेटर्स, टाइम में है 4 लेटर्स, सिंपल में है 6 लेटर्स और प्लान में है 4 लेटर्स। तो अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड देखेंगे कि सिंपल में देखिए 6 लेटर्स है, आपको यहाँ पे 6 एक नंबर दिख गया, गिवन में 5 है, आपको यहाँ पे 5 दिख गया, इन दो में 4 4 लेटर्स हैं तो यहाँ पे आपको 2 4 दिख गए। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है ना, जो ये न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो कैसा हो सकता है, ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं उसमें उसी पे बेस्ड होता है। एक तो ये उनका स्क्वायर्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, स्क्वायर नहीं हुआ तो मल्टीपल हो सकता है किसी भी नंबर का, 2 का मल्टीपल कर दिया, मतलब जैसे यहाँ पे 4 लेटर है तो यहाँ पे 8 8 10 और यहाँ पे 12 दे दिया, मल्टीपल्स दे सकते हैं। या फिर नंबर ऑफ जो वॉवल्स हैं उनपे बेस्ड करके दे सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के ऊपर बेस कर सकता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसी ना किसी वर्ड पे नंबर के ऊपर ही बेस्ड होता है, चाहे वो वॉवल्स का नंबर हो या लेटर्स का नंबर हो, बेसिकली ये उसी पे बेस्ड करके ये होता है। तो आप जो नंबर वाला पार्ट है ना, सबसे पहले उसको आप सॉल्व करने का कोशिश किया करिए। फिर आता है हमारा न्यूमेरिकल, ये जो अल्फाबेटिक पार्ट है, अल्फाबेटिकल पार्ट, वो जैसे यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे 6 मिल गया था, 6 जो है सिंपल में 6 लेटर्स है, यहाँ पे हमें 6 मिल गया, तो हमें पता है कहीं ना कहीं कि ये सिंपल का ही कोड है। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल की स्पेलिंग देखेंगे, यहाँ पे ई लिखा है, सिंपल में ई कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ लास्ट में ई आ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं गेस कर सकते हैं कि ये जो है लास्ट लेटर जो है वो लिखा गया है। लेकिन हम कंफर्म करने के लिए दूसरा भी देख लेंगे, गिवन भी देख लेंगे, देखिए गिवन में 5 लेटर है, यहाँ 5 आ गया, लास्ट में एन है, यहाँ पे एन है, तो मतलब हमें क्या पता चल गया कि न्यूमेरिक पार्ट जो है वो क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स हैं इसमें, और जो अल्फा वाला पार्ट है, अल्फाबेटिकल पार्ट है, वो क्या है, लास्ट लेटर है, ठीक है। अब ये अल्फाबेटिकल पार्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, कभी कभी वो पहला वॉवल हो जाता है, पहला लेटर हो जाता है, जैसे गिवन में जी है तो यहाँ पे जी दे सकता था, जो पैटर्न है अगर पहला वॉवल दे सकता था या आखिरी वॉवल दे सकता था, आखिरी लेटर ना दे के आखिरी वॉवल दे देता, तो यहाँ पे अगर आखिरी वॉवल देता तो गिवन के केस में ई आ जाता और प्लान के केस में ए आ जाता वहां पे न्यूमेरिक पार्ट में। तो ऐसे करके कई सारे पैटर्न्स बनते रहेंगे, आपको बस थोड़ा सा थिंकिंग, आपको उसी तरह जैसे जैसे एक एक चीज नहीं मिलती है वैसे वैसे आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाइए, ऑप्शंस खत्म अगर हो जाएंगे तो ही गड़बड़ है, वरना तो आपको इसका सोल्यूशन जो है वो मिल ही जाएगा। अल्फा पार्ट, अल्फाबेटिकल पार्ट जो है वो भी हमारा सॉल्व हो गया और हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब जो बचता है ये कोडेड, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या सिंबल्स हैं, ये जो है आप इनको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे ना कि इनका जो फर्स्ट लेटर है, आप सबका देखिए, इसमें जी है, टी है, एस है, पी है, इसमें भी देखिए टी एस पी जी यही सब है, इसमें देखिए लेटर्स जो है स्टार्टिंग लेटर्स वो सिर्फ जी टी एस और पी को लेके ही बन रहा है। तो अगर हम लेटर्स देख रहे हैं कि किसी में कुछ नया लेटर नहीं आ रहा है, यही 4 लेटर या जितने हमारे पास स्पेशल सिंबल्स हैं उतने ही लेटर से, वही वही सेम लेटर से ही वर्ड्स बने हैं, तो हम कहीं ना कहीं गेस कर सकते हैं कि ये जो हमारा स्पेशल जो सिंबल है वो इनके लेटर के हिसाब से हो सकता है।
ये जो स्पेशल सिंबल होता है ना, स्पेशल सिंबल बेसिकली ना ये चारों सेंटेंसेस को किसी ना किसी तरह से लिंक करता है। जैसे इसमें भी एट द रेट है, इसमें भी एट द रेट है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक है, बस हमें वो लिंक सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कोड्स है वो लिखना शुरू करेंगे। ऐसे लिखना शुरू करेंगे कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स है ना वो सारे एक ही में आए। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपने गिवन का कोड आपने क्या सॉल्व कर लिया, गिवन का कोड आपका निकल के आया क्या है यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे लास्ट में एन और नंबर ऑफ ये 5, तो आपके हिसाब से गिवन का कोड ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है वर्ड, टाइम, तो टाइम का कोड क्या हो जाएगा मेरा, 4 लेटर लास्ट में ई, तो 4 लेटर लास्ट में ई, तो टाइम का कोड मेरा क्या हो जाएगा, एट द रेट ई और 4। उसी तरह हमारा चौथा वर्ड क्या है, सिंपल। अब सिंपल के केस में हमें क्या हो चाहिए, ई और 6, तो ये मिल गया मेरा सिंपल का, हैश ई 6। और चौथा मेरा है प्लान, प्लान के लिए मेरा कोड क्या है, एंड एन 4, ये मेरा प्लान का कोड है। अब आप क्या करिए, जैसे परसेंटेज वाला जो सिंबल है ना, जिस वर्ड का परसेंट वाला आएगा हमारा वर्ड, उसको आप परसेंट वाले सिंबल के नीचे ही लिखिए, तो ही आपको लिंक उसमें मिलेगा। जैसे मेरा पहला क्या है, टायर्ड, टायर्ड का मेरा क्या सिंबल आएगा, यहाँ पे देखिए 5 लेटर है और लास्ट में डी, 5D, तो ये है मेरा 5D, तो मतलब एट द रेट D5, ये मेरा टायर्ड का हो जाएगा। तो एट द रेट वाला हम कहाँ लिख रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे, तो एट द रेट हम इसी के नीचे लिखेंगे, तो टायर्ड भी क्या लिखेंगे हम, एट द रेट वाले कॉलम के नीचे ही लिखेंगे, एट द रेट D5, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा सोल्यूशन, इसमें 8 लेटर्स हैं, 8 वाला देखिए यही है मेरे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका स्पेशल सिंबल देख लेंगे। स्पेशल सिंबल क्या है, हैश है, स्पेशल सिंबल हैश है, तो मतलब उसको हम यहाँ वाले इसके नीचे लिख लेंगे, तो ये क्या बन गया, सोल्यूशन फिर हैश N8। इसी तरह आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए T से स्टार्ट हो रहा है तो एट द रेट है, T से स्टार्ट हो रहा है एट द रेट है, S से स्टार्ट हो रहा हैश है, S से स्टार्ट हो रहा हैश है, तो इन्हीं दो चीजों से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, अगर आपसे रैंडमली पूछ ले फोन का बताओ तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एंड और परसेंटेज वाला, परसेंट वाला जी है और पी वाला एंड है। अगर नहीं आ रहा तो आप एक दो सॉल्व भी करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एट परसेंटेज T5 है, वो प्लांट भी हो सकता है T5 और वो ग्रेड भी T5 हो सकता है। अब हमें नहीं पता परसेंटेज और ये एंड में क्या रिलेशन है, अभी तो जैसे हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, ये दो छोड़ दीजिए, कहीं साइड में लिख लीजिए प्लांट और आपका ग्रेड जो है वो बचा हुआ है। और अब नेक्स्ट चलिए, जैसे ये है मेरा सिक, सिक में क्या है, 4 लेटर्स है, लास्ट में के है, तो K4 ढूंढना है हमें, ये रहा, तो यहाँ पे आ गया मेरा K4, तो सिक मेरा इस कॉलम में आ जाएगा, हैश वाले कॉलम में, हैश K4। देखिए ये भी सिक भी मेरा S से वर्ड है, ये भी हैश से ही इसका सिंबल है, मतलब पहला वाला लेटर अगर P है तो वो एंड वाला सिंबल होगा, उस हिसाब से प्लांट जो है मेरा, प्लांट का कोड होना चाहिए एंड T5। लेकिन हम फिर भी और अपने आप को कंफर्म करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट में 5 लेटर है और आखिरी लेटर T है, मतलब हमें T5 ढूंढना है, तो यहाँ पे जो T5 कहाँ पे है, ये है हमारा T5, तो यहाँ पे एंड T5 ये आ गया, मतलब P जो है वो हमारा एंड के लिए ही था। अब ये जो पजल है, ये जो कोड है, ये हमारी डिकोड हो चुकी है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, मान लीजिए आपसे पूछ ले कि ट्रांसलेट का बताओ कोड क्या है, आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेंगे कितने हैं इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 9 है, तो न्यूमेरिक पार्ट क्या हो जाएगा, 9, लास्ट लेटर क्या है E, और यहाँ पे T था, T के लिए कौन सा सिंबल हम यूज कर रहे थे, एट द रेट, तो क्या आ जाएगा, एट द रेट E9, ये मेरा आ जाएगा सिंबल फॉर ट्रांसलेट, अगर मैंने नंबर ऑफ लेटर्स गलत नहीं काउंट किए हैं तो यहाँ पे 9 ही होना चाहिए। बेसिकली आपको जो उसमें कॉमन चीजें हैं वो ढूंढनी है, ये जो हमारा स्पेशल कैरेक्टर होता है ना, ये बाकी जो सेंटेंसेस होता है ना उनमें कोई ना कोई लिंक देता है, आपको वो लिंक जो है वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा।
और अगर ये आप कुछ कुछ चीजें तो आपसे आंख में ही आंख से देख के ही पता चल जाएगा। मे भी कहीं कहीं आप देखते जो लेटर से यहाँ पे जो लेटर स्टार्ट हो रहा है उसके बेसिस पे स्पेशल सिंबल है। ऐसा हो सकता था कि जैसे इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, तो सब में लेटर्स जो है रिपीट हो रहे हैं। वो चीज आप ध्यान में रख के अगर सॉल्व करेंगे कुछ कुछ चीजें तो ये बहुत ही इजी हो जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। आप लोग की डिमांड पे बड़ी मेहनत से बनाई है वीडियोस, तो आप लोग से रिव्यूज अगर अच्छे अच्छे मिलेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा। और अनअकैडमी पे मुझे फॉलो जरूर करिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।